और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि हल्द्वानी हिंसा के एक और आरोपी पर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मतीन सिद्दीकी का भाई है गिरफ्तार आरोपी जावेद, और जावेद का हिंसा के दिन का एक वीडियो भी सामने आया जिसके बाद इसके आधार पर जावेद की गिरफ्तारी भी की गई है और पुलिस को धमकाने का वीडियो ये सामने आया। कहा जा रहा है कि अभी SP के उत्तराखंड प्रभारी हैं मतीन सिद्दीकी और कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं मतीन सिद्दीकी। और देखिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा भी जुड़ गए। पुनीत देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ रोहिंग्या एंगल है लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के नेता के भाई की गिरफ्तारी या फिर उसके बारे में संदिग्ध चीजें सामने आना, इसको लेकर किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? देखिए पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनमें एक नाम जावेद का भी है, और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि जावेद मतीन का भाई है, मतीन समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड का जो प्रभारी है। इसके अलावा जावेद वो शख्स है जो वीडियो सामने आया जिसमें 8 फरवरी को जब नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम मौके पर डेमोलिशन करने गई थी तो जावेद ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया था, कार्यकर्ता बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का। और पुलिस अब पूरे मामले में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन को आगे रोहिंग्याओं का भी नाम सामने आ रहा है कि करीब 5,000 के आसपास जो रोहिंग्या इस बनभूलपुरा इलाके के आसपास रहते हैं वो लोग भी आए थे और उन लोगों ने भी यहां पर हिंसा की और फिर चले गए। तो बांग्लादेशी अवैध रूप से जो रह रहे हैं रोहिंग्या जो है उनके ऊपर भी अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा को आगे बढ़ा रही है, और इसीलिए कल एक बार फिर जबरदस्त छापेमारी बनभूलपुरा इलाके में की गई और करीब 30 और लोगों को हिरासत में लिया गया। और यही वजह है कि अब जो हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या वो बढ़कर लगभग 100 तक पहुंच चुकी है। पुलिस की करीब 10 टीमें जो उपद्रवी थे जो यहां से अंधेरे का फायदा उठाकर के 8 फरवरी की रात को अलग अलग जगह चले गए थे उनकी तलाश में वो लोग बरेली मुरादाबाद रामपुर और इसके अलावा गाजियाबाद दिल्ली और कई दूसरे राज्यों में भी पुलिस की जो टीम है वो लगातार फिलहाल छापेमारी कर रही है। प्रशासन का कहना है सबसे पहला काम उपद्रवियों को गिरफ्तार करना और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है पुनीत, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने। और जो जानकारी आप दे रहे थे उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, हल्द्वानी हिंसा पर अपडेट है, दंगे में रोहिंग्या मुस्लिमों की भूमिका की जांच भी की जाएगी, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों से भी पूछताछ होगी, बनभूलपुरा में अवैध रूप से रहते हैं 5,000 रोहिंग्या, ये बहुत बड़ी जानकारी मिली है। और इस पूरे दंगे में अब रोहिंग्या मुसलमानों का एंगल सामने आया है। और चलिए अब आपको रोहिंग्याओं की वो बस्ती दिखाते हैं जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में अब पुलिस रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भूमिका की भी जांच कर रही है जो कि बड़ी संख्या में यहां बसे हुए हैं, और आज से नहीं लंबे समय से कई दशक से वो इस जगह पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। इस वक्त मैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और रेलवे की जमीन पर किस तरह से ये हजारों की संख्या में कब्जा करके रहते हैं, झुग्गी बना के रहते हैं, उसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। कैमरामैन रोहित से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये तस्वीरें दिखाइए, देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में इस जगह पर लोग लंबे समय से रह रहे हैं और रहते कहां हैं वो भी तस्वीरें आप दिखाइए कि प्लास्टिक और बांस बल्ले से बने इन तंबुओं में ये लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं। अब जब बनभूलपुरा में हिंसा भड़की और पुलिस ने लोगों को चिन्हित करके जांच शुरू की, दबिश बनानी शुरू की, तो यहां से कई लोग भागते हुए भी इन्हीं रेलवे ट्रैक्स पर पकड़े भी गए हैं, कुछ आरोपियों को देर रात भी यहां से हिरासत में लिया गया है। बहरहाल पुलिस तमाम लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा अपडेट इसमें यही है कि बड़ी संख्या में यहां से भी लोग गए थे जो हिंसा में शामिल थे, आगजनी में शामिल थे, पेट्रोल बम बनाकर जो रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया या फिर गाड़ियों को जलाया गया उसमें भी यहां के लोग शामिल हो सकते हैं और उनके भूमिका की जांच वो चल रही है। लेकिन इस जगह पर बताया जाता है कि 30 से 40 साल से लोग यहां पर रह रहे हैं और 5,000 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। अब जब हिंसा भड़की और उसमें इनकी भूमिका की जांच पुलिस कर रही है तो बहुत लोग इसमें से भागने की भी कोशिश करते हुए पकड़े जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ हल्द्वानी से मैं अभिजीत ठाकुर।